नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्पोर्ट्स फैंटेसी गुरुजी में। आज बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप मैच नंबर 1 के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि ओमान और पीएनजी टीम के बीच मस्कट में खेला जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो प्यार सपोर्ट आपने मुझे आईपीएल के दौरान दिया, और उसी प्यार सपोर्ट के चलते हम सबने मिलकर आईपीएल में धमाकेदार परफॉर्मेंस की। लेकिन दोस्तों ये T20 मैच में हम डबल धमाका करने वाले हैं। कैसे, क्यों, आपको इसी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो आईपीएल के मैचेस थे ना, आईपीएल के मैचेस में फिर भी कॉम्पिटिशन थोड़ा सा था, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि चेन्नई का टीम कैसा करेगा, कोलकाता कैसा करेगा, किस खिलाड़ी किस नंबर पे बैटिंग करेगा, कैसी बॉलिंग और कैसी बल्लेबाजी वो करता है। लेकिन दोस्तों जो मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में खेले जाएंगे, इनको लेके लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कम होगा, जिसके चलते लोग तुक्केबाजी में अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों हम डाटा साइंस की मदद से अपने मुक्के के दम पे उनको हराएंगे। कैसे, क्यों, ये आपको वीडियो देखने के बाद खुद पता चल जाएगा। इसीलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे आपको उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं ओमान पीएनजी टीम के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप के स्टैट प्लस इन्फो की बात करूं, तो मुझे ये जानकर बड़ा सरप्राइज हुआ कि आज लोगों ने आकिब इलियास को अपना कप्तान बनाया, जबकि आकिब इलियास के कंपैरिजन में जितेंद्र और कवर अली शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो क्यों लोगों ने आकिब इलियास को आज अपना कप्तान बनाया? क्या आकिब इलियास के प्लेस पे हम दूसरे बल्लेबाज या गेंदबाज को कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं, किसे बनाना चाहिए, उससे हमें क्या फायदा नुकसान होगा, इसी के बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आईपीएल T20 के अंदर 80% लोगों ने हमारा वीडियो पूरा देखा। पूरा देखने का मतलब ये था बीच में वीडियो को स्किप नहीं किया, और जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा उन लोगों ने ना सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि स्मॉल लीग में भी काफी अच्छा फोन किया। अगर आप भी T20 वर्ल्ड कप के मैच में फोन करना चाहते हैं, तो आज मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देख लीजिएगा, और आपको भी पता चल जाएगा कैसे आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग को फोन कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ओमान टीम के टॉप 5 खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं, इनमें टीम के सबसे धाकड़ बल्लेबाज है जितेंद्र सिंह, जिन्होंने 28 मैच खेला T20 का, 697 किया, 68 इनका हाईएस्ट है, गेंदबाज ये करते नहीं है। लेकिन फिलहाल दोस्तों रिसेंट टाइम में इनकी कोई अच्छी पारी नहीं आई, पिछली 4 T20 पारियां सिंगल डिजिट में है, एक पारी डबल डिजिट में था, यानी रिसेंट टाइम के अंदर जितेंद्र अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी में पोटेंशियल बड़ा है, तो आप इस खिलाड़ी को इग्नोर मत कीजिए। इसके बाद आकिब इलियास का नाम आएगा, 22 मैच खेले, 408 रन किया, हाईएस्ट है 60 का, गेंदबाज में पार्ट टाइम करते हुए 2 विकेट चटके। अगर बात करें लोगों ने आज इनको कप्तान इसलिए बनाया, क्योंकि इसी खिलाड़ी ने जो फॉर्म मुकाबले खेले गए या श्रीलंका टीम के साथ जो T20 मुकाबले खेले गए, आकिब इलियास ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। 78, 30, 59, 3 और 17, ये इनकी 5 T20 मैच में परफॉर्मेंस है बल्ले के साथ। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि कन्वर अली इनके सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 32 मैच में 601 किया, इनका हाईएस्ट 72 नाबाद है, और 32 मैच में गेंदबाजी करते 35 विकेट भी चटकाए। और दोस्तों लोग इनको आज कप्तान वाइस कप्तान कंसिडर नहीं करे, जो मेरे बड़े सरप्राइज की बात है। अगर दोस्तों मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, सिर्फ जो पिछला T20 मैच इन्होंने जो खेला उसको निकाल दीजिए, जहां इन्होंने विकेट नहीं चटकाया, इसके अलावा जब भी ये T20 मैच खेले, यहां 2 विकेट, यहां विकेट चटकाया बल्ले के साथ 14 किया। इवन दोस्तों लोगों को ये भी नहीं पता कि आज होने वाले ये T20 मैच में ये खिलाड़ी किस नंबर पे बल्लेबाजी करेगा। और दोस्तों जब मैं आपको इस बल्लेबाज के बल्लेबाजी क्रम के बारे में बताऊंगा, तो आप सबको जान के बड़ी हैरानी होगी। इसके बाद दोस्तों नाम आएगा ओमान टीम के गेंदबाज नदीम का, जिन्होंने 25 मैच में 97 किया, 29 इनका हाईएस्ट है, 25 मैच में 24 विकेट चटका चुके हैं। हालांकि रिसेंट टाइम इन्होंने बल्ले के साथ परफॉर्म किया, पिछले मैच में 29, उससे पहले 11 किया, लेकिन दोस्तों खेले गए पिछले 5 T20 मैच में सिर्फ 2 में ये विकेट चटका पाए। इस तरह 5 T20 मैच में इनके पास 3 विकेट है। फिर ओमान टीम के कप्तान है मकसूद ने 31 T20 मैच में 547 किया, और इतने ही मैचेस में 18 विकेट भी चटकाए। गेंदबाजी की बात करें दोस्तों, पिछले 5 T20 मैच में सिर्फ 1 विकेट चटकाया, लेकिन टीम के बड़े अच्छे खिलाड़ियों टीम को कैप्टनसी करने जा रहे हैं। और दोस्तों कोई भी टीम अगर कैप्टन अपने किसी भी खिलाड़ी को बनाएगा T20 वर्ल्ड कप में, तो हमेशा टीम कोशिश करता है कि उसकी टीम का जो सबसे अच्छा खिलाड़ी हो वही उनकी टीम को T20 वर्ल्ड कप में लीड करे। इसलिए आप मकसूद को भी हल्के में मत लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको ओमान पीएनजी टीम के बीच होने वाले T20 मुकाबले का एक एक खिलाड़ी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए ओमान की टीम किन 11 खिलाड़ियों को आज खिलाएगी, पीएनजी का टीम किन 11 खिलाड़ियों को खिलाएगा, ओमान का टीम जिन 11 खिलाड़ियों को खिलाएगा उनको कहां बैटिंग करने का मौका देगा, वो कैसे गेंदबाजी करते हैं। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में पता होगा, तो आप ज्यादा अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। फिलहाल टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम दोस्तों मैंने आपके सामने लिखे हैं, जिनमें आपको सबसे बड़ा सरप्राइज होगा अली के रूप में, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको कहूं भाई अली आज होने वाले ये T20 मैच में ओपन करेगा, प्लस में लेग स्पिन गेंदबाजी करेगा, तो निश्चिंत आप अली को अपनी टीम में शामिल कर लोगे। लेकिन दोस्तों अली का कंफर्म जो बैटिंग पोजीशन है, तो उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अगर
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों जतिंदर सिंह ओपन है, इलियास 3 पे होंगे, मकसूद 4 पे है, सूरज 5, नसीम 6, संदीप को आप 7 नंबर पे देखेंगे, नदीम 8 नंबर पे, फयाज अहमद भट्ट 9 पे, खलीमुल्ला 10 पर, बिलाल खान 11 पे खेलेंगे। अगर दोस्तों टीम के पास स्पिन गेंदबाज विकल्प की बात करें तो मकसूद टीम के पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज है और कन्वर अली टीम के पास एक लेग स्पिन गेंदबाज है, यानी टीम के पास 2 स्पिन गेंदबाज विकल्प मौजूद है। गेंदबाज में बात करें टीम के पास 3 राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज मौजूद है जिनके नाम नदीम, फयाज और खलीमुल्ला है। एक लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज भी टीम के पास है जिसका नाम है बिलाल खान। अगर दोस्तों मैं बात करूं ओमान की टीम ने कैसे क्वालिफाई किया टी20 वर्ल्ड कप में, तो आप सब लोगों को जानना चाहिए 2019 में टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेले गए थे। 2019 में जतिंदर सिंह ने ओमान की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन स्कोर किया, ना सिर्फ ओमान की टीम के लिए बल्कि दोस्तों वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ये हाईएस्ट रन गेटर थे। बिलाल खान दोस्तों हाईएस्ट विकेट टेकर थे और बिलाल खान ने 2019 में खेले गए टी20 क्वालिफायर मुकाबलों में 9 टी20 मैच खेला था और 7 टी20 मैच में विकेट चटकाए। सिर्फ 2 मैच ऐसे रहे थे जब बिलाल खान विकेट नहीं चटका पाए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, बिलाल खान को जाना जाता है विकेट चटकाने के लिए अपनी लास्ट ओवर में, यानी कि बिलाल खान दोस्तों ओमान की टीम के लिए 19 या 20 ओवर गेंदबाजी डालेंगे जिनके विकेट चटकाने के चांस ज्यादा होते हैं। प्लस में दोस्तों टीम में एक वेरिएशन वाले गेंदबाज है बिलाल खान। अब देखिए आपको पता चल गया इनकी टीम प्रोफाइल के बारे में। अब दोस्तों देखिए अगर हम पीएनजी टीम के प्लेयर प्रोफाइल की बात करें, 11 खिलाड़ी हैं जिनको पीएनजी का टीम पहले टी20 मैच में खिला सकता है। ओपन करेंगे टीम के कप्तान असद वाला, टोनिंग का साथ देंगे चार्ल्स 3 पे, सीसा बाउ नंबर 4 पे, नॉर्मन 5 पे, 6 पे जेसन, 7 पे किपलन, 8 पे पोकाना और नंबर 9 पे चैड शोपर नजर आएंगे, नंबर 10 पे मोरिया नजर आ सकते हैं, नंबर 11 पे राहू आपको नजर आएंगे, या राहू को ना खिलाए तो अटाई को ये खिला सकते हैं। अब दोस्तों ये टीम में अगर मैं बात करूं गन फील्डर का, यानी ये टीम का सबसे अच्छा फील्डर कौन, तो दोस्तों नाम लेंगे चार्ल्स अमीनी का। चार्ल्स अमीनी के बारे में एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेग स्पिन गेंदबाजी करता है। दोस्तों एक मात्र ऐसा खिलाड़ी है पीएनजी की टीम में जिनके दादाजी, जिनके पिताजी, जिनकी माताजी, इवन इनके भाई ने अपनी नेशनल टीम को लीड किया है, लेकिन दोस्तों ये अपनी फैमिली के पहले ऐसे मेंबर है जो आईसीसी इवेंट के सबसे बड़े फेस में खेलने जा रहे हैं, यानी कि इनका पूरा फैमिली क्रिकेट खेला है। प्लस में दोस्तों इनकी सिटी में जो स्टेडियम है वो इनकी फैमिली के नाम पे है, तो इस टीम में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो चार्ल्स है। इसके बाद नाम आएगा असद वाला का, जो दोस्तों बैटिंग और गेंदबाजी दोनों करता है, जिन पे टीम डिपेंड करेगा कि रन रेट को एक्सेलेट करें। इनिंग को एंकर करने के लिए टोनिंग के पास है। इनकी कमजोरी दोस्तों क्या है, कमजोरी ये है कि टीम के पास गेंदबाज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। प्लस में बैटिंग में आप देखोगे तो टीम के पास काफी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद है, जैसे कि असद वाला है, फिर चार्ल्स भी लेफ्ट हैंड है, सीसी बाउ लेफ्ट हैंड है, इसके बाद जेसन लेफ्ट हैंड आ जाएंगे, तो टीम के पास काफी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। गेंदबाज में बात करें तो पोकाना लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, चैड शोपर, दोस्तों चैड शोपर के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट ये खेलते हैं, तो इनके पास काफी अच्छा अनुभव है क्रिकेट खेलने का और इनका टीम फील्ड में आपको चौंका सकता है, क्योंकि इनकी टीम की फील्डिंग जो उनको इंटेंसिटी काफी तगड़ी है और ये टीम की फील्डिंग के लिए जानी जाती है। अगर दोस्तों और खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो देखिए यहां से नॉर्मन जो है फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, नॉर्मन इज इक्वल टू हार्दिक पांड्या, ये ध्यान रखना, नॉर्मन इज इक्वल टू हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों नॉर्मन क्या ये फिनिश तो करेंगे इनिंग को, लेकिन रिसेंटली जिस तरह हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करे, इसी तरह फिलहाल प्रैक्टिस मैचेस में नॉर्मन को गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा गया, इसलिए पहले टी20 मैच पे इन पे हम शायद रिस्क ना ले पाएंगे, लेकिन दोस्तों एक बार नॉर्मन ने गेंदबाजी करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे लिए की प्लेयर बन सकते हैं। अब दोस्तों देखो पीएनजी टीम की कमजोरी क्या है, पीएनजी टीम में जो भी गेंदबाज मौजूद है तेज, उनके पास ज्यादा गति नहीं है, उनकी टीम के गेंदबाज 120-130 की गति से गेंदबाजी करते हैं। प्लस में टीम में अच्छा ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने देखा है इनकी जो सामने वाला टीम है ओमान, इसमें दोस्तों काफी राइट हैंड बल्लेबाज मौजूद है, अगर इस टीम में एक ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज होता तो इस टीम को आराम से फंसाया जा सकता था। तो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते ओमान की टीम के सिलसिले को, क्योंकि पहले मैं आपको बताना चाहता था कौन किस नंबर पे खेलेगा, कैसी बैटिंग, कैसी गेंदबाजी करता है, तब आपको इनके बारे में ज्यादा मजा आएगा। सूरज के 16 मैच में 105 रन है, 42 हाईएस्ट है, रिसेंटली कुछ ज्यादा मैच खेले नहीं, खेला भी तो अच्छा नहीं किया। संदीप के 15 में 89, 31 हाईएस्ट है, 2 विकेट चटकाए पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए, फिलहाल इनको स्टार्ट अच्छे मिले टी20 फॉर्मेट में, लेकिन अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया। नसीम के 13 मैच में 119, 29 है इनका हाईएस्ट। बिलाल का आप देखिए, मैंने आपको कहा था बिलाल दोस्तों एक नंबर गेंदबाज है और बिलाल की टीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ओमान की टीम को क्वालिफाई कराने में, क्योंकि 35 मैच में उन्होंने 51 विकेट चटकाए टी20 फॉर्मेट में, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। फिलहाल दोस्तों खेले गए पिछले 5 टी20 मैच में एक खेला नहीं, 4 मैच में 3 विकेट है, यानी अभी विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन दोस्तों इस गेंदबाज को आप अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। इसके बाद खलीमुल्ला नजर आएंगे, 8 मैच में उनके 3 विकेट है, लेकिन दोस्तों खलीमुल्ला को काफी लोगों ने टीम में रखा हुआ है, इसलिए रखा है क्योंकि खलीमुल्ला ने जो परफॉर्मेंस है रीसेंट टाइम में काफी अच्छा किया, जो फॉर्म अप मैच में खलीमुल्ला ने 4 ओवर में 4 विकेट चटकाए, फिर विकेट चटकाए, विकेट चटकाए, विकेट चटकाए, इसी के चलते इस खिलाड़ी पे लोगों ने अपना फोकस कर रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट पे बाकी खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया जा सकता है।
अब दोस्तों अगर हम पीएनजी टीम की बात करें तो मैंने आपको कहा था टोनी एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं। 25 मैच में 754 107 अंक का हाईएस्ट और दोस्तों रिसेंटली एक टी20 मैच में अच्छा खेला। भाव की बात करें 25 मैच में 401 रन 40 अंक का हाईएस्ट और पार्ट टाइम गेंदबाजी का 4 विकेट चटका है। रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है, हालांकि एक मैच में 38 रन जरूर किया। इसके बाद टीम के कप्तान फाल आएंगे, 28 मैच में 516 68 अंक का हाईएस्ट और 28 मैच में ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर 22 विकेट भी चटका है। और अगर दोस्तों आप देखें तो किसी मैच में बल्लेबाजी तो कभी गेंदबाज कर आपको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए टोनी और फाला ये दो खिलाड़ी आपकी टीम में आ जाने चाहिए। इसके बाद अमीनी की बात करें 25 मैच में 419 है और गेंदबाजी करते हैं ऑर्थोडॉक्स आप लोग जानते हैं और 25 मैच में 21 विकेट इनके पास है। आप देख लीजिए पिछले 3 टी20 मैच में लगातार ये खिलाड़ी ने कभी बल्ले के साथ कभी गेंद के साथ कंट्रीब्यूट किया तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फनू की दोस्तों मैं बात करूं, मैंने आपको बताया हार्दिक पांड्या के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन फिलहाल गेंदबाजी नहीं कर रहे। 27 मैच में 344 रन 54 रन का हाईएस्ट और 27 मैच में 35 विकेट भी चटका चुके हैं लेकिन रिसेंटली गेंदबाजी नहीं कर रहे। इनकी गेंदबाजी को लेके कोई भी अपडेट मुझे मिलेगा उसके साथ मैं आपको टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरा फाइनल टीम कॉम्बिनेशन होगा वो भी आपको टेलीग्राम में शेयर किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों पीएनजी टीम के कुछ आगे खिलाड़ियों की बात करें तो पोकाना है 21 मैच में 21 विकेट इनके आ जाएंगे, राहू के 18 मैच में 24 विकेट है। फिलहाल ज्यादा मैचेस खेले नहीं है क्योंकि फॉर्मा मैच में टीम उन खिलाड़ियों को ज्यादा मौका देती है जिनको शायद वो वर्ल्ड कप में ना खिलाए, जो उनके सीनियर मोस्ट खिलाड़ियों को थोड़ा आराम दिया जाता है। शॉपर की बात करें दोस्तों मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेलते हैं तो इनके पास थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल होगा गेंदबाजी में। 15 मैच में 16 विकेट चटका है। मोरिया दोस्तों एक ही मैच खेला है, उस मैच में 30 रन किया था, गेंदबाजी में फिलहाल कमाल नहीं दिखा पाए। दोरिगा की बात करें 19 मैच में दोस्तों 119 रन किया, 43 रन का हाईएस्ट। तो ये दोस्तों पीएनजी टीम प्रोफाइल आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कौन कब बल्लेबाजी करेगा कैसे बल्लेबाजी करेगा। अब बारी आएगी टीम कॉम्बिनेशन बनाने की। भाई टीम तो हम बनाएंगे लेकिन डाटा साइंस को कैसे भूल जाए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों मैंने आपको कहा था ना जो पीएनजी का टीम है उनकी टीम में कोई ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज नहीं है, जबकि जो ओमान का टीम है इनकी टीम में काफी राइट हैंड बल्लेबाज मौजूद है। आप जतिंदर सिंह को देखिए ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने स्लो खेले, इसके बाद आपके इलियास हैं 41 बॉल में 31 किया, दो बारी आउट हो गए। लेग स्पिन के सामने 7 बॉल में 12 रन की 3 बारी आउट हुए, तो आप इनकी कमजोरी को नोट कर लीजिए। इसके बाद जिसान मकसूद है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन की 21 में 19 किया, ओवर अली आएंगे 30 बॉल में 24 रन किया, दो बारी आउट हो गए। राइट आर्म फास्ट के सामने 16 बॉलों में 8 रन किया, एक बारी आउट हुए। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस टी20 मैच में पीएनजी की टीम की जो गेंदबाजी है ना तो उनके पास कोई ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज है ना ही टीम के पास ऐसा गेंदबाज जो 130 से अधिक की गति से गेंदबाजी करे, इसलिए कवर अली के परफॉर्मेंस करने के चांस बनते हैं क्योंकि ऑफ स्पिन के सामने आप देखिए ठीक है, लेग ब्रेक के सामने थोड़ा फंसते जरूर है लेकिन राइट आर्म मीडियम के सामने भी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर हम कॉम्बिनेशन अपना बनाएंगे। संदीप गौड़ फिर ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी, 17 में 12 किया, एक बारी आउट हुए। सूरज की बात करें 28 बॉल में 20 रन किया, 3 बारी आउट हुए। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है ना ओमान की टीम को अगर पीएनजी का टीम हराना भी चाहे तो इस टी20 मैच में उनकी टीम को ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज चाहिए, जैसे कि नसीम के 3 बॉल में 2 रन है। इसी तरह अगर मोहम्मद नदीम की बात करें 23 बॉल में 23 रन है, एक बारी आउट हुए। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिनका आप ध्यान रखिएगा। टोनी की बात करें तो टोनी को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज थोड़ा सा बांध के रखते हैं क्योंकि 42 बॉल में 42 रन दिया, 2 बारी आउट किया। इसके अलावा लेग स्पिन गेंदबाज ने 25 गेंदों में इनको 2 बारी आउट किया। इसके बाद अगर दोस्तों सीसी बाउ की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजों के सामने 39 में 36 किया, एक बारी आउट हुए और लेग स्पिन के सामने 20 में 13 रन किए, एक बारी आउट हुए। और दोस्तों आपको पता होगा होने वाले इसी टी20 मैच में कितने वो गेंदबाज हैं ओमान के पास जो ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन गेंदबाजी करेंगे, इसलिए आप ओमान की टीम के उन स्पिन गेंदबाज को जरूर टीम में कंसीडर कीजिए जो ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन गेंदबाजी करे। अगर आप उन गेंदबाजों को टीम में शामिल करते हैं तो आपकी फैंटेसी टीम में आपको ज्यादा वैल्यू देंगे। इसी तरह दोस्तों पीएनजी टीम के कुछ और खिलाड़ियों के बारे में बात करें जैसे कि जेसन है, कैपलिन है, इनका परफॉर्मेंस भी फीका ही रहा, कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया। अब दोस्तों अगर मैं नॉर्मान की बात करूं या टीम के जो बाकी बल्लेबाज हैं चार्ल्स अमीनी की बात करूं, इन सबके बारे में आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। अब आप सोच रहे हो क्या भाई वाकई में पीएनजी का टीम लेग स्पिन गेंदबाजों के सामने फंसता है, तो दोस्तों इस चीज को अपने आप प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिए, पीएनजी टीम का एक मुकाबला जो पिछला था नेपाल की टीम के साथ उसको कंसीडर कीजिए। नेपाल की टीम में एक लेग स्पिन गेंदबाज मौजूद है संदीप लेमचेन के रूप में। संदीप लेमचेन ने खेले गए उसी मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 11 रन देके 6 विकेट चटकाए थे और दोस्तों आप देखिए रन दिए 11 विकेट चटकाए 6, तो आपको पता चलता है किस तरह ये टीम लेग स्पिन के सामने स्ट्रगल करती है। और मैंने आपको बता दिया ओमान की टीम में वो कौन से लेग स्पिन गेंदबाज हैं जिनको आज आप सीरियसली अपनी टीम में कंसीडर करेंगे। अगर दोस्तों हम पिच रिपोर्ट की बात करें, अलमीरत में ये मुकाबला खेला जाएगा तो अलमीरत का जो विकेट है दोस्तों टर्फ वन पे ये मुकाबला होगा वो एक न्यूट्रल विकेट है, यानी कि ये टी20 मैच में आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलेगा और जो यहाँ का आउटफील्ड है वो थोड़ा सा धीमा है। तो दोस्तों क्या होगा जो बल्लेबाज हवा में शॉट मारेंगे उनको उनका शॉट का ज्यादा वैल्यू मिलेगा, प्लस में पावर प्ले के अंदर बल्लेबाज बाउंड्री बटोर सकते हैं, उसके बाद टीम शायद सिंगल डबल पे ध्यान देगा। अगर दोस्तों औसतन स्कोर की बात करें 4 है 149, लेकिन चेस करने वाली टीम को थोड़ा एडवांटेज रहेगा। इस मैदान में खेले गए अब तक 24 टी20 मुकाबलों में
14 बार टीम ने चेस करते हुए और 10 बार पहले बैटिंग कर फोन किया और पिछले खेले गए 5 टी20 मुकाबले में 3 मुकाबले चेस वाली टीम ने जीते। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि भाई होने वाले ये टी20 मैच में कप्तान वाइस कप्तान बल्लेबाजों को बनाए या गेंदबाजों को, तो ध्यान दीजिएगा इस मैदान में खेले गए पिछले 5 टी20 मुकाबलों में बल्लेबाजों ने बल्ले के साथ 1468 रन किया जबकि गेंदबाजों ने 71 विकेट चटकाए हैं। अगर दोस्तों 71 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक विकेट का 25 पॉइंट आपको मिलता है, ना तो मैंने बैटिंग में कोई बोनस ऐड किया ना मैंने बॉलिंग में कोई बोनस ऐड किया, अगर दोस्तों ऐड नहीं किया तो आप देखिए 1775 पॉइंट आपको गेंदबाजों ने दिलाए बल्लेबाजों के कंपेरिजन में 307 ज्यादा है। इससे क्लियर हो जाता है कि होने वाले ये टी20 मैच में बल्लेबाजों को अपना कप्तान वाइस कप्तान मत बनाइएगा, जैसी गलती लोगों ने इलियास को कप्तान बना के कर रखी है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि होने वाले ये टी20 मैच में इलियास को अपना कप्तान मत बनाइएगा। अगर दोस्तों हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तेज और स्पिन गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों ने 42 स्पिन ने 26 चटकाया, तेज गेंदबाजों का औसत 21 का, स्पिन का 20 का, यानी दोनों टाइम के गेंदबाजों ने दोस्तों यहाँ पे विकेट चटकाए हैं। पहली पारी में तेज गेंदबाजों ने 22 तो स्पिन गेंदबाजों ने 11, दूसरी पारी में तेज गेंदबाजों ने 20 तो स्पिन गेंदबाजों ने 15 विकेट चटकाए। अगर दोस्तों मैं रिसेंटली खेले गए मैदान पे टी20 मुकाबलों की बात करूं तो ओमान की टीम ने हाल फिलहाल श्रीलंका की टीम के साथ 2 टी20 मुकाबले खेले, उससे पहले मुंबई की टीम को इन्वाइट किया था कि आप लोग आइए हमारी थोड़ी प्रिपरेशन कीजिए, और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी इसी ओमान की टीम ने मुंबई की टीम को 3 मुकाबलों की श्रृंखला में 2 मैचेस में हरा दिया था। हालांकि श्रीलंका टीम के साथ खेले गए दोनों टी20 मैच में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं दोस्तों जो दूसरा टीम है पीएनजी का, ज्यादा अनुभव टी20 फॉर्मेट का नहीं है ये मैदान में खेलने का और होम एडवांटेज आ जाएगा ओमान की टीम के पास, क्राउड ओमान को सपोर्ट करेगा तो ओमान की टीम के मैच जीतने के जो चांस है वो ज्यादा होंगे। अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बताया कि भाई ओमान टीम के मैच जीतने के चांस ज्यादा है, लेकिन क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ओमान की टीम ने जो पिछले 4 टी20 मैच खेले, एक नीदरलैंड के साथ प्रैक्टिस मैच था, ये दोस्तों इंडिया के साथ प्रैक्टिस मैच है, श्रीलंका टीम के साथ 2 टी20 मुकाबलों की श्रृंखला थी। ओमान की टीम ने 161 किया, ओमान की टीम ने 152 किया, ओमान की टीम ने 159 किया, यहाँ पे ओमान की टीम ने 143 किया, यानी ओमान के बल्लेबाजों ने लगभग सभी खेले गए सभी टी20 मैच में 150 रन बनाया। अगर दोस्तों इनके बल्लेबाजी की बात करेंगे तो इनके बल्लेबाजों को कोई दिक्कत नहीं स्पिन गेंदबाजों से, इनकी बल्लेबाजी जो थोड़ा सा कतराती है किससे, तेज गेंदबाजों से। लेकिन पीएनजी का जो टीम है उनके पास ना तो अच्छे तेज गेंदबाज मौजूद है, ना ही पीएनजी की टीम में कोई ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज मौजूद है, और इसलिए ओमान की टीम के जो मैच जीतने के चांस है वो ज्यादा है कंपैरिजन में पीएनजी के। इसी तरह दोस्तों अगर हम पीएनजी टीम की कमजोरी ताकत की बात करें तो आप देखिए श्रीलंका टीम के साथ पीएनजी की टीम सिर्फ 123 कर, पीएनजी की टीम ने आयरलैंड की टीम के साथ रिसेंटली 96 किया, पीएनजी 160 किया, अगर यहाँ बात करोगे तो स्कॉटलैंड की टीम के साथ 154 किया। लेकिन दोस्तों आप देखिए जिस श्रीलंका टीम के सामने ओमान का टीम 150-140 स्कोर कर रहा है उसी टीम के सामने ये टीम सिर्फ 123 कर पाई, जिस आयरलैंड की टीम के सामने ओमान अच्छा परफॉर्मेंस करता है उस आयरलैंड की टीम के सामने इसने सिर्फ 96 किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएनजी के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के सामने आउट हो रहे हैं, यहाँ तेज गेंदबाजों ने 4 तो स्पिन ने 3 चटकाए, तेज गेंदबाजों ने 4 तो स्पिन ने 2 चटकाए, तेज गेंदबाजों ने 4 तो स्पिन ने भी 4 चटकाए, तेज गेंदबाजों ने 2 तो स्पिन ने 3 चटकाए। और दोस्तों मैंने आपको फील्ड में बताया है कि पीएनजी का टीम स्पिन गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 2 मुकाबलों की, ये दोनों ही मुकाबले कोई टी20 फॉर्मेट नहीं है क्योंकि ये दोनों टी20 फॉर्मेट में पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होगी। इससे पहले दोस्तों दोनों टीमों ने 50 ओवर के 2 मुकाबले खेले, इन 2 मुकाबलों में कैसा इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस था ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। पीएनजी की टीम ने पिछला जो मुकाबला खेला वहां पहले बैटिंग कर सिर्फ 150 रन बनाए, ओमान की टीम ने 151 रन कर मैच को जीत लिया। ओमान की टीम ने जब पहले बैटिंग की 250 किया और पीएनजी की टीम को 140 पे समेट दिया, यानी कि दोनों ही फंडे मैच में ओमान की टीम ने पीएनजी टीम को हराया, ना सिर्फ हराया बल्कि बुरी तरह हराया। अगर दोस्तों आप बात करोगे देखो पीएनजी टीम के 7 विकेट 0 विकेट, यहां पे बात करोगे 5 विकेट 2 विकेट, यानी कि ओमान की जो टीम थी ओमान की टीम के गेंदबाजों का पीएनजी की टीम ने किस तरह विकेट चटकाई आपको पता चलता है। ओमान के 7 बल्लेबाजों को पीएनजी टीम के तेज गेंदबाजों ने आउट किया, यहां पीएनजी टीम के गेंदबाजों ने 5 बल्लेबाजों को तेज और 2 को स्पिन में फंसाया। अगर दोस्तों दोनों ही मुकाबलों की बात करूं, एक मुकाबला खेला गया था टर्फ 1 पे और दूसरा टर्फ 2 में खेला गया, और जो ये टी20 का मुकाबला है टर्फ 1 में खेला जाएगा। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी मोरिया को कोई भी टीम में नहीं रखना, लेकिन ओमान की टीम के साथ खेले गए पिछले वनडे मैच में मोरिया ने 5 विकेट चटकाए थे, बल्लेबाजी में असद वाला ने 62 किया। अगर हम बात करें दोस्तों ओमान टीम के परफॉर्मेंस का तो यहां देखिए कवर अली ने 5 विकेट चटकाए, जो लेग स्पिन गेंदबाज है आपके आकिब इलियास ने 56 रन बनाया, तो आपको पता चल रहा है कि आज कप्तान वाइस कप्तान आपको किसे और क्यों बनाना है। इसी तरह अगर टर्फ 2 में खेले गए दूसरे मैच की बात करूं तो मोरिया ने दोस्तों 10 ओवर में 50 रन देकर 2 विकेट चटकाया, असद वाला ने 27 रन के और गेंदबाज में विकेट चटकाया।
अब गेंदबाज में मकसूद ने 4 विकेट चटका है। मकसूद क्या? मकसूद एक स्पिन गेंदबाज जो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करता है, 10 ओवर में 4 विकेट चटका है। सूरज कुमार ने नाबाद 62 किया। तो दोस्तों आपको पता चलता है कि आज कॉम्बिनेशन कैसे और क्यों आपको बनाना है और क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ग्रैंड लीग स्मॉली को आप जीत जाओगे। अब दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पे इन दोनों गेंदबाजों का प्रोफाइल है टीमों का, यानी कि टीम का कप्तान गेम के कौन से फेस में अपने किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेगा, ये आपको वीडियो देख के पता चल गया, इसीलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन आज आप बना पाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे मैंने क्या टीम कॉम्बिनेशन ये T20 मैच में बनाया। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, टॉस के बाद जो भी मेरा फाइनल टीम कॉम्बिनेशन होगा, मेरे पास कोई भी अपडेट होगी उसे मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हमारे सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वैसे ही मिल सके। तो दोस्तों मेरा कॉम्बिनेशन देखिए, फिलहाल मैंने अताई को ऐसा विकेट कीपर टीम में रखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये बैकअप विकेट कीपर है जो पार्ट टाइम विकेट कीपर करते हैं, अगर इनको टीम खिलाएगा तो गेंदबाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। टोनी मेरी टीम में रहेंगे, जितेंद्र सिंह है, इलियास को टीम में रखा, यहाँ अमीनी है, फाला, मकसूद, कवर अली को टीम में रखा। नीचे दोस्तों गेंदबाज में मैंने पूरे जो गेंदबाज है वो ओमान की टीम के रखे हैं। यहाँ आपको थोड़ा सरप्राइज होगा कि भाई क्यों मैंने नदीम को टीम में रखा, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहो तो नदीम के प्लेस पे दूसरे जो गेंदबाज है पीएनजी को उनको टीम में रख सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों टॉस का वेट करेंगे, टॉस के बाद देखते हैं पीएनजी का टीम किन 11 खिलाड़ी को खिलाएगा, ओमान किन 11 को खिलाएगा, उसी के अलावा कोई भी चेंज टीम में होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा फाइनल टीम कॉम्बिनेशन है टॉस के बाद टेलीग्राम में शेयर करूंगा। फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगों ने आज इलियास को कप्तान किया, लेकिन मैंने कवर अली को अपना कप्तान बना दिया, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जो पीएनजी का टीम है लेग्समैन के सामने कैसे स्ट्रगल करता है, और वाइस कप्तान मैंने वल्ला को ही रखा है। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहे, आप चाहते हैं भाई मुझे इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ तुक्केबाजी में टीम बनाऊंगा, तो आप आज इस मैच में इलियास को अपना कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। या ऐसा भी हो सकता है कि कवर अली पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करे, विकेट ना मिले और फिर ये बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है काफी टैलेंटेड ये खिलाड़ी है, अगर इसका बल्ला चला तो आपको वन साइड फोन करा सकता है, इसलिए होने वाले इस T20 मैच में कवर अली को अपना कप्तान बनाया। फिलहाल दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा आपको ये हमारा वीडियो सेगमेंट कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो सेगमेंट पसंद आएगा तो इसी तरह T20 वर्ल्ड कप की ढेरों वीडियो में आपके लिए आगे चल के बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों आपके कीमती समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसा ही बना रहेगा, और होने वाले इसी T20 मैच में आप और मैं दोनों मिलकर शानदार परफॉर्मेंस करने में कामयाब होंगे।